आज एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट में सीए को लेकर के सुनवाई हुई, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेताओं ने अपने अंदाज में सरकार का पक्ष रखने के लिए, खासतौर पर उत्तर प्रदेश की अगर बात करूं तो योगी आदित्यनाथ से लेकर के दूसरे अलग अलग जगहों पर राजनाथ सिंह और कुछ दूसरे भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने आज हुंकार भरी है। एक तरफ जहां पर विपक्ष इस कानून को लेकर के देश विरोधी, जनता विरोधी यह कानून बताने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ सरकार इसे देश हित में बताने के साथ साथ पे इस कानून के जरिए ऐसे मजलूमों को जो कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से शरणार्थी के तौर पर रह रहे हैं देश के अंदर, उनकी मदद करने और उनकी नागरिकता देने के लिए एक प्रावधान के शक्ल में इस कानून को लाने की बात कर रही है। और यही वजह है कि जनता के बीच में जाकर के इस किस्म की रैलियों और इस किस्म के आयोजनों के साथ में भारतीय जनता पार्टी ये समझाने की कोशिश कर रही है कि विपक्ष जो कुछ कह रहा है, विरोधी जो कुछ कह रहे हैं, दरअसल वो सत्य से परे है, क्योंकि इस कानून के जरिए किसी की नागरिकता छीनने का नहीं बल्कि ऐसे मजलूमों को नागरिकता देने का प्रावधान है जिनको लेकर के लंबे समय से चर्चा चल रही थी। तो इस किस्म के आयोजन अलग अलग जगहों में, देश के अलग अलग हिस्सों में इस वक्त चल रहा है, मगर आज उत्तर प्रदेश के कानपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे एक सभा को संबोधित करने के लिए। कैसे, किन शब्दों में उन्होंने लोगों को समझाने की कोशिश की, कैसे उन्होंने अखिलेश, माया, ममता, राहुल और दूसरे तमाम लोगों को निशाने पर लिया, आइए सुनते। तमाम प्रकार का भ्रम का स्थिति पैदा कांग्रेस, सपा, वामपंथी दल, एनजीओ कर रहे हैं। मैं आप सबसे अपील करूंगा, नागरिकता कानून पर प्रधानमंत्री जी ने पहले ही कह दिया है कि सीएए का एनआरसी से, एनपीआर से कोई संबंध नहीं, लेकिन उस सबके बावजूद गुमराह करने का प्रयास, कोई अपने बच्चे को भेज रहा है, कोई अपनी परिवार की किसी महिला को भेज रहा है, जैसे कि अब इनकी क्षमता समाप्त हो चुकी है, अब ये लोग इन महिलाओं को, इन बच्चों को आगे करके समाज में भ्रम की स्थिति पैदा करना चाहते हैं। लेकिन याद करना, प्रधानमंत्री जी ने पहले ही कहा है कि नागरिकता कानून नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता लेने का कानून नहीं।